केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव के बाद मुंबई गए भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल आज मेरठ पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के बीच बैठे। उन्होंने यह शिकायत दूर करने की कोशिश की कि चुनाव प्रचार के दौरान वह उनके क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। आश्वासन दिया कि 4 जून को सब ठीक रहेगा तो अगले 5 साल तक खूब मिलना जुलना रहेगा। हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान मिले अपार सहयोग व स्नेह के लिए वे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इससे बड़ा धन्यवाद वे 4 जून को देंगे। जहां तक रोजमर्रा के कामों की बात है तो उसके लिए मेयर यहां मौजूद हैं। रही बात मुंबई जाने के बाद किए गए ट्वीट की, तो पिछले कई साल से उनकी तरफ से सुबह इस तरह के मैसेज जारी होते आ रहे हैं, बिल्कुल थॉट ऑफ द डे की तरह। यह कहना गलत है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है। दो टूक वह सीधा सपाट बोलने वाले अरुण गोविल ने मीडिया के सवालों पर फिर से दोहराया कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती है। मेरठ की जनता ने उन्हें कभी किसी काम की लिस्ट उन्हें नहीं दी है। जीत के बाद जरूर इस मुद्दे पर क्षेत्रवासियों से विचार विमर्श कर मेरठ के लिए बड़े कामों की सूची तैयार की जाएगी। फर्स्ट बाइट टीवी के कैमरे से आपको दिखाते हैं क्या कहा अरुण गोविल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से। आज सबसे किसी से भी ठीक से मिलना नहीं, तो मेरा प्रसाद काम था और प्रसाद काम का आज किसी से सहयोग नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि और मुझे आप सबका धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना था आपके उस सहयोग के लिए, तो आपने मेरे चुनाव और ध्यान के लिए किया, जो बड़ा धन्यवाद है वो भी आपकी चार साल की बात कर। जो काम आपने अपनी पार्टी के लिए किया वो फाइनली आया मेरी फूल, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अभी भी कुछ लोगों को ये उनका कहना है, मैं दूर कहना चाहूंगा कि आप हमारे मोहल्ले में नहीं आए, लेकिन ये दुख तो रहेगा। इंसान बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता था, नहीं मिल पाता था, उसे तो सहारा जरूर मिलता। देखिए यदि 4 तारीख को जो निर्देश हो ऐसा ही हो गया, यदि हमारी किसी जो हमें पूरी उम्मीद है 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेरा आपका मिलना जुलना होता रहेगा। कभी हम ध्यान मिलेंगे, कभी पेहर मिलेंगे, कभी किसी फंक्शन में मिलेंगे, कभी किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, तो इस बात को अपने दिल में हम लोग भर रखें कि हमारे मोहल्ले में नहीं आए। तो ये बात आपकी बात मैं बदलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बात सबसे भेद होगी, चाहे बताए कहीं ना कहीं हम लोग मिलते ही रहेंगे आप। तो बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद कहा के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बाकी बड़ा धन्यवाद है और वो भी इसकी उसके बाद एक और धन्यवाद हो, वो धन्यवाद होगा मेरे कौन सहयोग होगा आपका मेरे साथ और मेरा आपके साथ सहयोग होगा। जब हम इस अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करेंगे, बड़े काम करेंगे, रोजाना के कामों के लिए हमारे व्यय चार करेंगे, ताकि जो बड़े काम है क्षेत्र के लिए, जो जिन्हें हम बेसिक डेवलपमेंट कहते हैं या प्रगति कहते हैं, उसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता होगी। मेरी पूरी पूरी अपेक्षा है आप सबसे, आप सबका सहयोग भी इसी प्रकार हमेशा मिलता रहेगा। तो 4 तारीख के बाद हम दिन मिलेंगे और आगे का जो हमारा रूपरेखा है उसको तैयार करेंगे कि हमें कैसे कैसे अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदा की जय। इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए अरुण गोविल ने यह कहा, मुझे देखिए समीकरण की जो खेल है वो मुझे नहीं आता है अभी भी, मैंने उसको सोचने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि समीकरण सोचना और वो सब काम संगठन का होता है, तो संगठन ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। पर जीत के प्रति जो मुझे रुझान लग रहा है, जो देखने में आता है, उसके प्रति मैं पूर्ण आश्वस्त। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 400 पार की बात है ना, अभी कुछ समय विपक्ष कह रहे थे कि आप बात करनी बंद कर दो, कह रहे हैं कि मैं आज भी बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपका क्या कहना है कि 400 पार जाएगी? प्रधानमंत्री ने कोई एक बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह रही, अगर उन्होंने 400 पार की बात की है तो की है, अच्छी बात है। अच्छा विपक्ष 17 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, 22 में फेल हुआ, अब क्या स्थिति है, क्या 24 में भी फेल होने के कगार पर है? अब देखिए अगर एक को ज्यादा सफलता मिलनी है तो दूसरे को फेल होना ही है, बस यही समीकरण होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को जब इतनी सफलता मिलनी है तो विपक्ष को फेल होना ही पड़ेगा। पीएम कह रहे हैं कि साउथ से बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इसका। अब देखिए पीएम ने कोई एक बात कही तो मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूँ, मुझे क्यों कमेंट करना चाहिए? साउथ में बीजेपी कुछ अच्छा कर रहा है, मुझे उस पर कमेंट करने का ना मेरा कोई अधिकार है ना मेरी कोई इच्छा है, वो हमारे देश के सर्वोच्च नेता है, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा। अच्छा आपने एक ट्वीट किया उसके बाद उसको डिलीट भी किया, उसके बाद एक वो ट्वीट नहीं किया गया था, वो पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ से रोज एक ट्वीट निकलता है मॉर्निंग में, जो थॉट ऑफ द डे जैसा होता है कि आज का हमारा विचार सुविचार क्या है, वो रोजाना की तरह एक सुविचार था, उसको पॉलिटिकल सर्कल्स में ये मान लिया गया कि मैंने वो किसी के लिए कहा है, वैसा बिल्कुल नहीं था। देखो जो सपा बोल रही है भैया वो सपा से पूछना था, मेरे से मत पूछो, मेरे बारे में पूछ लो, जो क्या पूछना सर। आप नेक से चले गए थे, आप के बारे में पूछ रहे हैं, आप नेक से यहाँ से चले गए थे पुलिस होते हैं, उस समय तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहा, आज आप दोबारा लौट रहे हैं लगभग महीने भर बाद, एक से ऐसा सुनिए सुनिए नहीं मैं आपको अगले दिन जाना था, मैं यहाँ आया था, मुझे अचानक बताया गया था कि मुझे यहाँ से टिकट दे दिया गया है, कोई आदमी जब कहीं काम कर रहा होता है उसके कितने काम छूटे होते हैं पहले तो ये बताइए आप, छूटे होते हैं कि नहीं होते, उनको पूरा ना करूँ, अगर मेरी आदत ये पड़ गई कि मैंने पहले लिए हुए काम पूरे नहीं किए तो मैं आगे भी जिंदगी भर ऐसा ही करता रहूँगा, मैं उस बात को अपनी आदत नहीं बनाना चाहता, मैंने अगर किसी को कोई काम कमिट किया है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, इसलिए मैं इनको पहले इनको जवाब दे दूँ ना, इसलिए मैं उस दिन चला गया था, ठीक है, और आज मैं अब आया हूँ। और दूसरी बात, मुझे अपने क्षेत्र में भी मेरी पार्टी का निर्देश आया था कि मुझे बम्बई में भी जाके काम करना, इसलिए मुझे इमीडिएटली वहाँ जाना पड़ा दोनों काम। अरुण गोविल जी क्या भाजपा के लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे? काहे नहीं दिखेंगे भैया, जरूर दिखेंगे। कोई आदेश आया अभी पार्टी का? हाँ, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, अपना बंगाल में है, चंडीगढ़ में है, आज बिहार के लिए डिमांड आई है। दो लोग अगर एक साथ पूछेंगे तो मुझे मेरे कान में कुछ नहीं जाता। आप कह रहे हैं बंगाल आप जाएंगे, रामनवमी की सुबह से खराब होता है, कितने उत्सुक हैं वहाँ जाने के लिए, क्या क्या संदेश रहेगा लोगों को वहाँ? संदेश तो हमारे यहाँ दो ही है ना इस समय, प्रगति है हमारे देश की, समझे ना, और रामराज्य की बात है, तो ये दोनों संदेश होंगे, इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा आप काम की बात कर रहे हैं, मेरठ से रूबरू होते हुए आपको 1.5-2 महीना हो गया है, ऐसे कौन से आपने कामों की लिस्ट बनाई अगर आप संसद बने? अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है भैया, ना बिल्कुल मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, 4 तारीख हो जाने दीजिए, अभी तो मैं सिर्फ लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं उन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वक्त इसमें लग जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम एक हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाती है वो बात, हमारे कार्य क्षेत्र पक्का हो जाता है कि हाँ अब हमें ये काम करना है, फिर तो उसमें जुटेंगे हम। मेरठ की जनता ने कुछ कहा हुआ कि साहब ये काम हमारा? मेरठ की जनता ने मेरे से कोई डिमांड नहीं की अभी तक भी, ये सब इस बात के साक्षी हैं, ये जितने हमारे सीनियर्स खड़े हैं सब इस बात के साक्षी, आज तक कोई डिमांड उन्होंने मेरे से नहीं की। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।